नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में समझेंगे, और अगर आप में लैपटॉप से करो तो बहुत अच्छा है, वो शेयर करके कोई समस्या हो तो मैं यहाँ से दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको लैपटॉप पे ही इंटरनेट करना पड़ेगा और वहीं से जूम लॉग इन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो एक बार अगली बार कोशिश करिए और इसको बना के रखिए, जैसा कि पहले मैं बोल चुका हूँ कि 3-4 सेशन में हम ये काम पूरा कर पाएंगे। ओके, तो पहले मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो आपका कल का जो हमने प्रोजेक्ट किया था, हम उसी पे आ जाते हैं। यस, आपके स्क्रीन पे आ गया ये। इसमें कंप्यूटर्स के अंदर आईपी अलॉटमेंट करना बहुत आसान था। आप किसी भी कंप्यूटर को क्लिक करते, डेस्कटॉप पे जाते, और ये जो पोर्शन है आपका आईपी एड्रेस, वहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मैन्युअली आप आईपी डाल सकते हैं जो ऑलरेडी आपने कर चुके हैं, ठीक है। और राउटर के अंदर अगर आईपी अलॉट करना है तो उसके लिए अभी जैसे यहाँ माउस ले जा रहा हूँ तो अभी आईपी अलॉटमेंट आपको दिख रहा है 3.1, जो भी हमने प्लानिंग किया। तो हमने कैसे किया था, राउटर को क्लिक किया, सीएलआई मोड में गए और यहाँ पे इंटरफेस करके, ये यूजर मोड होता है, इसके बाद मुझे इनेबल टाइप करना होता है, फिर कॉन्फ़िगरेशन थी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, फिर मुझे जिस पोर्ट पे जाना होता है INT या फिर 0/, मान लो ये वाला जो पोर्ट है इस पोर्ट पे हम चले गए और इस पे हम आईपी ऐड कर सकते हैं, 1 IP ऐड, जो भी हमने यहाँ प्लानिंग किया। ऑलरेडी मैंने पहले कर चुका हूँ, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। 192.168.1.1 विथ सबनेट मास्क स्पेस करके 255/24 है, 255.255.0। ओके, और सप्लाई ऑन करने के लिए मैंने नो शट बोला होगा। जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें, ये काम हमने कल कर दिए हैं, राइट। अगर आप गलती से भी कोई आईपी एड्रेस डालने में गलती कर जाओ तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, दोबारा से इस पे नया आईपी आप डाल दें। जैसे कि मैंने आईपी डाला तो इस पे पुराने में जो भी पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ओवर राइट हो जाता है, ऑटोमेटिकली ओवर राइट हो जाता है पुराने आईपी से। कई बार आप लोग गलती कर बैठते हैं यहाँ पे कुछ और, क्योंकि हमारी प्लानिंग थी 1.1 लेकिन आपने गलती से इसी पोर्ट पे 3.1 डाल दिया, तो घबराने की जरूरत नहीं, पहले आप इसी पोर्ट पे जो नया कमांड है फायर कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। तो आईपी अलॉटमेंट हमने इस तरह से किया था और इसमें फिर एग्जिट करके फिर मैं इस पोर्ट पे चला गया, ये जो दूसरा पोर्ट था INT, या फिर पिछला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत आराम आराम से बताया, थोड़ा फास्ट रिवाइज तरीके से बता रहा हूँ। इसमें भी आई पी ऐड करेंगे, 192.168.3.1 सबनेट के साथ साथ, और सप्लाई ऑन करेंगे नो शट, जो भी काम करें डू राइट करें और एग्जिट कर दें। डू राइट का मतलब सेविंग का, बहुत ही सिंपल काम है। यूजर मोड में गए, इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन किया, पोर्ट पे गए और आई पी लॉक कर दिया। कितना आसान सा काम है, पहली बार लगता है काफ़ी लंबा लेकिन बहुत ही आसान होता है। ऐसे हमने इधर भी गए, सेम प्रोसेस किया, क्लिक किया, गो टू द सीएलआई मोड में गए, इनेबल किया, और क्योंकि iOS कमांड है तो आप 2 शब्दों या 2 या 3 शब्द से समझ जाता है, पूरा कमांड लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसका ड्रॉबैक भी मैं आप शेयर कर दूंगा ग्रुप में, इसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, वीडियो आपके पास है ही, खुद करके देखिए, और जब करेंगे तभी आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना पाएंगे। बना हुआ प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा आप करने के बाद आसानी से समझा भी पाएंगे, राइट। अब इसमें हमने कल डिस्कस किया था कि जब आईपी अलॉट हो जाएगा तो आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन चल रहा है यहाँ से अगर मैं यहाँ भेजूँ तो भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, अगर मैं इस कंप्यूटर से इसके पोर्ट पे भेजूँ तो भी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इसको मैं डिलीट करके इसको क्लीन कर देता हूँ। अगर मैं इस राउटर से, इस पोर्ट से इस राउटर को अगर भेजूँ तो पहली बार में हो सकता है फेल हो, लेकिन दोबारा जब भेजूँ तो सक्सेसफुल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब देखिए, आप यहाँ से मैंने यहाँ भेजा सक्सेसफुल हो गया, इस पीसी से इसको भेजा सक्सेसफुल हो गया, इस राउटर से इस राउटर को भेजा सक्सेसफुल हो गया। जैसा कि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमारे पास 3 लाइन है, वो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। अपने घर में हम एक दूसरे को अगर आईपी अलॉट कर दें और आई सेंडिंग करने लगे, ये भी अपना घर ही हुआ इनका और ये भी अपना घर हुआ, तो आपका जो मैसेज भेजने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रहता है। लेकिन मैं अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जाऊं, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ से पैकेट उठाऊं और मैं बाहर की दुनिया, ये तो यहाँ तक तो अपना घर हो गया, एक लाइन हो गया, लेकिन जैसे नेटवर्क 1 से निकलकर मैं नेटवर्क 3 में चला जाऊं या नेटवर्क
टू में जाऊं, जाने का रास्ता तो यही होगा जो ये पोर्ट है वो गेटवे कहलाएगा, उसके बाद यहाँ से जाते हुए फिर आए। तो अपने घर से बाहर जब निकलते हैं, जैसे आप अपने घर में जैसी मर्जी सो, जैसा मर्जी जो तोड़ो फोड़ो, कोई मना नहीं करने वाला, लेकिन घर से बाहर निकलते ही आपके ऊपर नियम कायदे लग जाते हैं। तो अपने घर से अभी देखते हैं, अगर मैं यहाँ से निकाला और यहाँ भेजूंगा ये फेल होगा, या कितनी बार कोशिश कर लीजिए दिस इज द फेल, यहाँ से मैं यहाँ भेजूंगा फेल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ भेजूंगा फेल हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अपने घर में भेज रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सक्सेसफुल हो रहा, कोई नियम कानून की जरूरत नहीं, सब सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। अभी हमने आपके सामने दोबारा भी कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से निकल कर बाहर की दुनिया में जाने के, अपने लाइन से निकला और दूसरे लाइन में एंट्री कर गया, तो ये फेल हो जाता है। तो अपने घर से बाहर की दुनिया में निकलने के लिए जिस रूल रेगुलेशन का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग नाम देते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल। व्हाट इज द राउटिंग प्रोटोकॉल? एक नियम है, राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, या रूल्स या रेगुलेशन, जिस भी नाम से जाने कोई परेशानी की बात नहीं। सीधा सा मतलब है कि नियम कायदे की बात हो रही है, ठीक है ना, उसको राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो सबसे पहला जो है, बहुत तरह के नियम बनाए गए हैं, बहुत तरह का नियम का मतलब, यहाँ पे मैं कुछ नियम के नाम लिखूंगा और एक नियम आज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कितना करके तैयार रहें, कल और अच्छा से करेंगे। तो एक नियम है जिसको बोलते हैं स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये इंडिया के अंदर दो बहुत ही पॉपुलर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, एक को बोलते हैं रिप और दूसरे को बोलते हैं OSPF, ठीक है। इसके अलावा और भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, BGP, पांचवा है आपका MPLS, चौथा पांचवा है आपका IGRP। इस तरह से कुल मिलाकर बहुत सारे रूल रेगुलेशन अवेलेबल है पूरे दुनिया में। कौन सा नियम कहाँ यूज होगा अभी आपको एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा, ये नियम है, नियम कैसे काम करते हैं हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। जब भी जैसा कि हमारा जो आप डायग्राम बना हुआ, अगर हम उसकी बात करें तो डायग्राम में आप देख पाएंगे, काम करते हैं, मैं थोड़ा रफली बना देता हूँ यहाँ पे। हमने जो डायग्राम बनाया, एक राउटर ये है, ये दूसरा राउटर है, इससे कुछ बटे हुए कुछ, यानी तीन नेटवर्क है, नेटवर्क नंबर वन, दिस इज नेटवर्क नंबर टू और दिस इज नंबर थ्री, यही तो बनाया हमने अपने उस सिमुलेटर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास तीन नेटवर्क है, राइट। पहले मैं आगे बढ़ूं, नियम समझाऊं, मैं सबसे पहले इस नियम के बारे में बात करने वाला हूं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तुरंत आपको समझ में आएगा, जब एक समझ में आ जाएगा तो बाकी भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बात करता हूँ, सभी लोगों ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एडमिशन लिया है, इंजीनियरिंग के पढ़ाई के एडमिशन के लिए आपने इंटरमीडिएट किया होगा, दूसरा आप अपने चॉइस के हिसाब से जो भी आपने कॉलेज सेलेक्ट किया होगा और वहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना, जो भी एग्जाम कंपटीशन, जैसे भी जो भी रास्ता पढ़ रहे होंगे। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज संभव है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, एक दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज होता है जिसे हम लोग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज या मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज बोला जाता है। हो सकता था OSCRA के थ्रू सिलेक्शन होता है, आप लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, SCRA के बारे में तो हम अवेयर हैं ना, SCRA एग्जाम होता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप, आई थिंक एवरी वन अवेयर अबाउट दिस, यस या नो, तुम उसका नाम सुना आप लोगों ने कभी एग्जाम दिया इसका? नहीं, राहुल, एनी वन, विनय, कुशाग्र, SCRA का नाम सुना कभी, एग्जाम भरे हैं फॉर्म, यस या नो? नहीं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होता है, इसके थ्रू मिलिट्री इंजीनियरिंग के अंदर में रेलवे में सीधा, इसमें जब आपका एडमिशन होता है तो इसमें आपको डायरेक्ट नौकरी की तरह एडमिशन पढ़ाया भी जाता है और नौकरी भी आपको दी जाती है, गवर्नमेंट होता है, बहुत अच्छे कठिन परीक्षा होती है, ठीक है। तो दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होता है, एक होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज,
दूसरा होता है आपका जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा हुआ, जहाँ पे स्पेशल क्लास के लोग एग्जाम पास करके पढ़ाई करते हैं। तो मान लीजिए आप में से कोई मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अभी आप जहाँ पढ़ रहे हो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज़्यादातर लोग एनआईटी के हैं, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज में कटघरी में आता है। ठीक है, कॉलेज अच्छा होगा अलग मैटर है, बट वो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर सिर्फ आपको पढ़ाई मिलेगी और डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो वो नौकरी की तरह होता है, आपको पढ़ाई के लिए कोई पैसा नहीं देना होता, सिर्फ एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन देना होता है, देन आफ्टर आप हर महीने सैलरी या अप्रेंटिस हो आपको स्टाइपेंड मिलता है, और जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको रेगुलर जॉब का ऑफर होता है, वो भी सरकारी। ठीक है, तो अगर आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन करते तो क्या होता, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे 10 दोस्त थे, आपके 10 दोस्त थे, ठीक है ना, इंटर में होते हैं बहुत सारे गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन जब आपने कॉलेज ज्वाइन करोगे सबसे आगे का पहला दिन होगा और मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, मान लो गाजियाबाद में है एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो नॉर्मली ऐसे कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, वो सारे उसी फील्ड से जुड़े होते हैं, तो वो सबसे पहले क्लास में आएगा, आपका जो भी बैच इंचार्ज होगा आते ही क्लास में कहेगा, सभी स्टूडेंट को चेतावनी दी जाती है, निर्देश दिया जाता है कि आज आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, यानी आप देश की एक सेवा में एज इंजीनियर बट मिलिट्री फील्ड में ज्वाइन किया है, तो आप सब आज के बाद बाहर की दुनिया में आपका कोई संबंध नहीं रहेगा, आपके जितने भी रिलेशन है सब ओवर हो गए, जब तक कॉलेज में है देश सेवा से जुड़े हैं आपको ज़्यादा बाहरी चीज़ों से नहीं बात करनी है। नंबर 1, जितने भी दोस्त हैं भूल जाओ, वहीं ख़त्म। परिवार से आपका सिर्फ इतना नाता होगा, जब ज़रूरत होगी तो आपको बात करा दिया जाएगा, कोई ज़रूरत इंफॉर्मेशन होगी वो सब हमारी निगरानी में होगा, आप अपने आप अपने नहीं, अभी जैसे आपके मोबाइल होगा, जैसे अभी मैं पढ़ा रहूँगा कुछ लोग हो सकता है कि मोबाइल ऑन करके गायब हो जाए, तो उसमें इस तरह से चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह का इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, आप एक बाउंडेड हो जाएंगे, आप बिल्कुल फ्रीडम नहीं होंगे कि आपको बाहरी लोगों की दोस्ती खत्म हो गई। दूसरा, नंबर 2, अगर मान लो आप गाजियाबाद के मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, किसी कारणवश आपको दिल्ली जाना है, तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 अलग अलग रास्ते हैं, वाया मोहन नगर भी आप दिल्ली जा सकते हैं, वाया NH-24 से भी जा सकते हैं, वाया राजनगर एक्सटेंशन के माध्यम से भी जा सकते हैं, ये 3 अलग अलग रास्ते हैं। तो अगर मान लो आपको दिल्ली जाना पड़ा तो कर्नल बोलेगा, भाई पहले तो तुम जा नहीं सकते, फिर भी अगर मैं आपको दिल्ली भेजूंगा तो मैं बताऊंगा कि आपको किस रास्ते से जाना है, 3 रास्ता है, तो आपको अपनी मर्जी से कोई रास्ता नहीं चुन, मैं बोलूंगा आपको राजनगर एक्सटेंशन से जाना, तो आप राजनगर एक्सटेंशन से ही जाएंगे, ये बाउंडेड हो गया। ठीक है ना, एक एक बाउंडेड। अब इसी चीज़ को अगर आप समझ पाए तो मैं यहीं पे बताता हूँ, अब यहाँ पे कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और ये मान लो कि ये जो आपका राउटर है एक तरह का स्टूडेंट है, अब यहाँ से कोई कंप्यूटर से कोई चीज़ अगर आप कहीं भेजना चाहते हो किसी और इस ए वाले लोकेशन से, अगर आप बी वाले लोकेशन में कुछ भेजना चाहते हो और इस राउटर को एज ए कर्नल, मैं मान लो कर्नल हूँ सपोज करो, और मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर अभी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जब मैं पैकेट भेज रहा हूँ फेल हो रहा है, लेकिन मुझे ए से बी को फेल नहीं कराना, डिलीवर कराना है मैसेज को, तो इसके लिए नियम कायदे मुझे राउटर के ऊपर अप्लीकेबल करना पड़ेगा, और एज ए कर्नल यानी जो इसका यूजर है, हम लोग और आप लोग, जो इसका इंचार्ज होगा राउटर का, वो राउटर के अंदर जाएगा और राउटर को इंस्ट्रक्शन देगा, हे राउटर तुम्हें 2 में जाना है, किसमें जाना है, 2 में जाना है, और किस रास्ते से, ये रास्ता एंट्री का हो गया, ये वाला जो पोर्ट होगा इसमें, मैं इस राउटर को बोलूंगा कि तुम्हें 2 में जाना है, आईपी राउट होना है, इसको इस तरह से लिखा जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है आईपी राउट होना है, इसका कमांड फायर होता है आईपी राउट, कहाँ पे, नेटवर्क 2 में जाना है, नेटवर्क 2 जो कुछ हुआ हम अभी लिखेंगे, किस रास्ते से, ये जो पोर्ट है, जो पोर्ट है आपका, ये जो पोर्ट आपका पोर्ट का जो 3 है उससे जाना है, ठीक है, तब आपका कम्युनिकेशन संभव होगा, ऐसे ही यहाँ से लिखा तब आप यहाँ पे एंट्री कर गए, क्योंकि यहाँ पे एक ही रास्ता हो सकता था कि आपका रास्ता एक और राउटर लगा होता और फिर यहाँ पे हम जाते,
ये आप जिस रास्ते से कहते हैं, मान लो चौथा रास्ता होता, तो जिससे बोलते उससे वो मूवमेंट करता है। एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, ज़्यादा आसानी समझ में आएगी। मैं आता हूँ, मैं आपका ये आपका इंस्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर मैंने बना रखा। अगर मुझे PC0 को इसमें कम्युनिकेट कराना है, तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें यहाँ जाना है नेटवर्क 2 में, और इस रास्ते से जाना है। ठीक है, जब ऐसे चला जाएगा वापस जाएंगे तब कम्युनिकेशन पूरा माना जाता है। तो मैं इस राउटर को भी बोलूँगा कि तुम्हें यहाँ जाना है और इस रास्ते से जाना है, तब जाके एक दूसरे का कम्युनिकेशन होगा। अब इसको करके देखते हैं। मैंने इस राउटर को क्लिक किया और जो काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। अभी मैं फिर ग्रेटर देन मोड आ गया, यानी कि यूजर मोड आ गया। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, इनेबल कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब मैं लिखूंगा, हे राउटर आईपी राउट तुम्हें जाना है, कहाँ जाना है, इस नेटवर्क में जाना है, 192.168.2.0 में जाना है। सबनेट के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पूरी बात नहीं लिखी जाती पूरी नहीं होती है। ठीक है, आपने कहा हे राउटर तुम्हें जाना है, आपने लिख दिया, और किस पोर्ट से, इस पोर्ट से, स्पेस करके इस पे आप लिखेंगे इस पोर्ट की जो आईडी है, ये आईडी है 3.2। तो आप लिखोगे 192.168.3.2 और इंटर प्रेस कर देंगे। जो भी काम करें डू राइट करें, डू राइट का मतलब सेव। कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं सेविंग करना अनिवार्य है। आपको कल के सेशन में बोला था, आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कमांड फायर किया और सेव नहीं करेंगे, राउटर भी एक कंप्यूटर है, पावर ऑन ऑफ होगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो सेव करना बहुत जरूरी, इसलिए मैंने डू राइट यहाँ पे लिखा। तो ये फायरिंग हो गई इस राउटर से कि भैया तुमको यहाँ जाना है और इस रास्ते से जाना है। समझ में आ गई? इस राउटर को मैंने बोला कि हे राउटर तुम्हें यहाँ जाना है, आईपी राउट मतलब जाना है, राउट करना है इस वाले नेटवर्क में और इस रास्ते से। तब हमारा ये कम्युनिकेशन, तब यहाँ से हमारा जो कंप्यूटर है वो निकलेगा। तो पहले क्लीन कर देते हैं। अब यहाँ से कंप्यूटर से जो भी कुछ निकलेगा फिर यहाँ से चला जाएगा। अब वापस आएंगे तो इस राउटर को भी इंस्ट्रक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क 1 में जाना है। तो इसको भी क्लिक करें, इस राउटर को, सेम इनेबल कॉन्फिग, और मैं इसको लिखूंगा आईपी राउट, हे राउट में जाना है 192.168.1.1, क्योंकि नेटवर्क आईडी लिखना है तो 1.1 नहीं लिखना, 1.0 लिखना है, 1.0 में जाना, सबनेट मास्क के साथ साथ, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ सबको, 255.255.255.0। कौन से रास्ते से? एक ही रास्ता है, ये वाला पोर्ट जो आप माउस पे देख पा रहे हैं, 3.1, 192.168.3.1, इंटर करेंगे, जो भी काम करें सेव करें। ठीक है, डू राइट कर दिया। अब मैंने दोनों राउटर को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि आपको यहाँ से निकलना है, इधर जाना है, और इसको भी बोला इधर से निकाल के इधर जाना है। तो अब हम पैकेट भेजेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा, करके देखते हैं भाई। पैकेट सेंड करके यहाँ से पैकेट उठाइए, PC0 में लीजिए, यहाँ भेज के देखते हैं सक्सेसफुल हो गया, जो पहले फेल हो रहा था। यहाँ से लिया और यहाँ भेज के देखें, सक्सेसफुल हो गया। पहली बार में फेल हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप कर पाएंगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी का जो सेशन था बहुत ही मैंने छोटा सेशन रखा, इतना आप पहले करिए, कल हम लोग डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग जितने भी बॉर्डर होते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान नेपाल, या आपके शहर के अंदर जो कैंट एरिया होता है वहां पे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा किन किन रास्ते से होते हुए जा रहा है वो सारी चीजें, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूँ, मेरी डाटा आप तक जा रहा है, तो हमारे भी कोई नियम बनाएगा तभी मेरा यहाँ से वीडियो पिक्चर है जो भी मैं दिखा रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है। तो उस प्रोटोकॉल पे हम कल बात करेंगे। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे ओपनली हम कोई चीज़ सेंड नहीं करते, जैसे मिलिट्री एरिया हो गया आपका, भारत पाकिस्तान पर, तो कोई डाटा छुपा के नहीं भेजना, हर चीज़ डाटा का मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। तो ऐसा जो एरिया होता है वो सिक्योर एरिया, वहाँ पे हम लोग स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। इस बारे में हम और बात करेंगे, और अभी मुझे होपफुली कि अभी जितना बताया मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया, आप लोग इसको कर पाएंगे। ठीक है ना? तो मुस्कान, आप सभी लोग इसको करके कल से दोबारा से बैठेंगे। ठीक है ना? तो आज के यस लिए इतना, सर, कोई यस सर, दिक्कत तो नहीं, हो जाएगा ना? थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।
करके थैंक यू बैठिएगा। सर। थैंक यू ओके थैंक यू। सर, थैंक यू सर।